ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन। देखो ये क्वेश्चन दिए, सबसे पहले क्या काम करना है पता है क्या? सबको लेफ्ट साइड लेके आ रहे हो। देखो 5m² इधर के इधर ही है, उसको कोई चेंज नहीं है। ये दोनों को लेफ्ट साइड लेके आओ। 22m इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 15 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। हो गया ये काम। राइट साइड में क्या है? जीरो है, खत्म। अब आप क्या करो, स्क्वायर वाला क्या जो कोएफिशिएंट है, जैसे m² का कोएफिशिएंट 5 है और ये कांस्टेंट नंबर -15 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 15 5 का कितना होगा? 75। और आंसर माइनस में आएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है मल्टीप्लीकेशन में। अगर एक प्लस एक माइनस होता तो आंसर माइनस में आता है। अब हमको दो ऐसा नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करे तो -75 आए, और प्लस माइनस जो भी करे तो उसका आंसर आएगा -22m। तो ऐसा नंबर है मेरा 25 3 करूँगा तो 75 आएगा, लेकिन क्या हो रहा है, माइनस आना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, माइनस मल्टीप्लाई में तब होता है जब एक प्लस और एक माइनस होता है, तो या तो 25 प्लस होगा या तो 3 प्लस होगा। अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा प्लस रखना है कौन सा माइनस रखना है वो आपको ये बताएंगा। आपको प्लस माइनस करके -22 आंसर आना चाहिए, -22 आंसर आना चाहिए। तो -22 आंसर कैसे आएगा? जब आपका बड़ा नंबर माइनस में होगा। अगर बड़ा नंबर माइनस में होगा तो आपका आंसर -22 आएगा, बड़ा नंबर अगर प्लस में होगा तो आपका आंसर +22 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो 5m² वैसा का वैसा लिखना है। -22m को दो चीज़ में हम लोग ने स्प्लिट कर दिया है, -25m और +3m, ये दो चीज़ में स्प्लिट हो गया है। बचा हुआ लास्ट वाला -15 वैसे के वैसे लिखना है। आया समझ में? यहाँ तक के सब क्लियर, बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? इधर m² है, इधर m है। मैं देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 5m × m लिख सकते ना। स्क्वायर का मतलब होता है कि वो चीज़ को दो बार लिख रहे हो। 25m को ऐसा लिख सकते हो 5 × 5m, क्योंकि 5 5 से 25 होगा। 3m वैसा का वैसा रखो, 15 15, 3 के टेबल में आता तो 3 5 सा, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, 3 5 सा 15। अब आप देखो इसमें भी 5m है, इसमें भी 5m है। आपको पहला दो नंबर भी चेक करना है, दोनों में 5m कॉमन है तो इसको बाहर निकाल दो। पहले वाले में बचेगा m, दूसरे वाले में बचेगा -5, ख़त्म। अब आगे लिखो प्लस। अब इन दोनों में 3, इधर 3 और इधर 3 कॉमन है तो 3 को बाहर निकाल दिया। पहले वाले में बचेगा m, दूसरे वाले में बचेगा -5। तो आप देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो रही है, तो दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखने का है -5। अब आप बच रहा है 5m और 3, इसको अलग ब्रैकेट में लिखना है, 5m + 3 इक्वेट टू 0। अब हम इन दोनों को अलग इक्वेट कर देंगे, m - 5 इक्वल टू 0 और 5m + 3 इक्वल टू 0। ये -5 अगर इधर चला गया तो क्या हो जाएगा? बराबरी करेंगे ना, +5, क्या हो जाएगा? +5। ये 3 इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब क्या करो, m के साथ जो नंबर है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ये 5 5 कैंसिल, m अकेला बचा क्योंकि हमको m को अकेला करना था। यहाँ बचेगा -3/5, ये आपका m का आंसर आ गया। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होता है, एक m = 5 हो गया, एक m = -3/5 हो गया। ये आपका आंसर आ गया कंप्लीट।